दोस्तों, भारत की काफी लंबे समय से कोशिश थी कि अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ कनेक्टिविटी के लिए कोई और विकल्प भी रखा जाए, क्योंकि फिलहाल चिकन नेक ही कनेक्टिविटी का एकमात्र साधन है। ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित लगभग 22 किलोमीटर की भूमि का एक संकीर्ण खिंचाव है, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। ये घाटी हंसिए की तरह है जो सिक्किम और भूटान को अलग करती है। भारत के लिहाज से ये भूभाग भूसामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अभी इस क्षेत्र में भूसामरिक लिहाज से भारत बेहतर स्थिति में है, लेकिन डोंगलांग से डोकलाम तक सड़क निर्माण कर चीन इन देशों के मिलन बिंदु स्थल तक पहुंचकर भारत को घेरना चाहता है। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए लगातार बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश कर रहा है। इसी कड़ी में म्यांमार में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने और पूर्वोत्तर के राज्यों से संपर्क को और मजबूत करने के लिए भारत चाबहार की तर्ज पर म्यांमार के सित्वे पोर्ट को विकसित कर रहा है। ईरान में चाबहार पोर्ट के बाद भारत म्यांमार के सित्वे पोर्ट के संचालन के लिए पूरी तरह तैयार है, जो भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन के BRI का मुकाबला करने में सक्षम होगा। इस पोर्ट की मदद से मिजोरम और मणिपुर समेत पूर्वोत्तर के अधिकतर राज्यों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। ये पोर्ट म्यांमार के राखाइन राज्य में स्थित है। माना जा रहा है कि ये पोर्ट साल 2021 की पहली तिमाही में चालू हो जाएगा। इस पोर्ट से आगे स्थित पलेतुआ से लेकर भारतीय बॉर्डर तक एक हाईवे का निर्माण भी किया जा रहा है। ये परियोजना कोलकाता से मिजोरम की दूरी लगभग 1000 किलोमीटर और आइजोल की दूरी लगभग 1328 किलोमीटर कम कर देगी। ये उत्तर पूर्व से कोलकाता बंदरगाह तक चिकन नेक के माध्यम से वर्तमान मार्ग के लिए विकल्प प्रदान करेगा, जो बंदरगाह तक पहुंचने में भारी यातायात और कार्गो के परिवहन का सामना करता है। म्यांमार में भारत सित्वे पोर्ट के अलावा सित्वे और पलेतुआ में अंतरदेशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का भी निर्माण कर रहा है। इस परियोजना को मई 2017 में मंजूरी दी गई थी, जिसकी लागत $78 मिलियन आंकी गई है। सित्वे पोर्ट भारत के कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस परियोजना के पूरे होते ही न केवल म्यांमार के साथ कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में माल के परिवहन के लिए परिवहन गलियारा भी बनेगा। इसके अलावा भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग को कलादान मल्टी मॉडल परियोजना से जोड़ा जा सकता है। चीन सरकार म्यांमार पर उसके बेल्ट एंड रोड परियोजना में शामिल होने के लिए दबाव बना रही है। इसके लिए वो म्यांमार के उग्रवादी समूहों को हथियार तक सप्लाई करता है। ये आतंकी संगठन सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए चीन के बने हथियारों का प्रयोग करते हैं। कहा जाता है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी म्यांमार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए इन आतंकी समूहों को हथियार सप्लाई करवाती है। इतना ही नहीं, इन आतंकी समूहों के चीनी सेना के साथ भी घनिष्ठ संबंध है, जो हमारे देश पर गिद्ध निगाह रखते हैं। इन गिद्धों को मेरी सलाह है कि बाज आ जाएं, वरना बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि भारत वो शेर है जो सिर्फ गुर्राता नहीं बल्कि अपने दुश्मनों को फाड़ डालता है। दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।